मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। विगत 7 वर्ष में 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री कराया गया, 2,62,00,000 से अधिक गरीब व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा प्राप्त हुई, 1,86,00,000 गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन तथा 2,65,00,000 से अधिक परिवारों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने और 15,00,00,000 जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, गौड़ आदि वंचित समुदायों को आवास, राशन, जमीन के पट्टे, स्कूल आदि की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आजादी के बाद 70 वर्षों तक उपेक्षित रहे यह लोग आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़कर ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने डीबीटी द्वारा योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल रहा है। आकांक्षात्मक विकास खंडों के माध्यम से 100 पिछड़े विकास खंडों को विकास की मुख्य धारा से साथ के साथ जोड़ा जा रहा है। पात्र परिवारों के लिए लाभार्थी प्रक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने संकल्प किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प रहा है, कि हम देश को 0 पॉवर्टी के अभियान के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश आज जब अपनी आजादी का 78वां स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य 0 पॉवर्टी के उनके संकल्पों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेगा। हर परिवार के पास अपना फैमिली आईडी बना करके शासन की योजनाओं को 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा करेगा, और इसके लिए प्रत्येक परिवार को फैमिली आईडी उपलब्ध करवाएगा।